आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। पशुओं के इंजेक्शन मरीजों को लगाने के मामले में आज सरकार की ओर से गठित टीम ने आज MDM अस्पताल पहुंचकर जांच की। जयपुर से आई 30 सदस्यीय टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये टीम खरीद के स्तर में हुई अनियमितताओं और टेंडर से लेकर आपूर्ति के दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर KC अग्रवाल के अनुसार संगठन और अस्पताल स्तर पर करवाई गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मेरोपिनाम इंजेक्शन पशुओं पर सिर्फ ट्रायल के काम आता है, वहीं इंजेक्शन पर केवल पशुओं के इस्तेमाल के लिए लेबल गलती से लग गया है। हालांकि अस्पतालों से इंजेक्शन का बचा स्टॉक सीज कर लिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कमेटी को वो हॉस्पिटल प्रशासन ने उपलब्ध करा दी है। ज़्यादातर कुछ एक और भी सूचनाएं चाहिए जो अस्पताल जल्दी उपलब्ध करा देगा। इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके विश्लेषण करके सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी।